नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन बिजनेस लेकर आया हूं, जिसका नाम है पानी बोतल बिजनेस। दोस्तों ये बहुत ही आजकल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है बिजनेस, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इसमें इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना प्रॉफिट होगा और इसके लिए क्या लाइसेंस प्रोसेस है, इसकी सारी जानकारी लेंगे। दोस्तों तो इसकी अधिक जानकारी देने के लिए मशीन मैन्युफैक्चरर प्रदीप जी हमारे साथ है। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पानी बोतल बिजनेस है कैसा। नमस्ते सर, पानी बिजनेस बोतल अभी बहुत अच्छा है और वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो नॉर्मली बाहर जाते हैं तो बोतल का पानी ही प्रीफर करते हैं, उसकी वजह से ये बिजनेस अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मशीन दिख रही है, इस मशीन से हम पर डे कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मशीन है वो हमारे प्लांट का सबसे छोटा मशीन है, ठीक है। ये मशीन का कैपेसिटी एक मिनट में 24 बोतल का है, तो पर डे के हिसाब से अगर आप गिने तो एक घंटे का 1440 बोतल, मतलब ये 10 घंटे मशीन चलता है तो आप मिनिमम 10,000 बोतल इससे निकाल सकते हैं। मिनिमम 10,000 बोतल पर डे हम इस मशीन से प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो इस मशीन का जो प्रोडक्ट कॉस्ट है और कौन कौन सी मशीन लगती है ये बताइए। ये प्लांट डालने के लिए और एक आरओ प्लांट है, ये फिलिंग मशीन हो गया और आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, इतना मशीन इसमें लगता है। अच्छा, तो टोटल कितना खर्चा आएगा इस प्लांट के लिए। और ये सब मशीनरी मिला के आपको तकरीबन 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। 15 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें लाइसेंस वगैरह सारा आ गया। हाँ, इसमें लाइसेंस भी आ गया। अच्छा, तो आप ये बताइए, मान लीजिए ये एक ही बॉटल है, तो एक बॉटल का अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो उसका रॉ मटेरियल, बिजली खर्च, मजदूरी खर्च, ट्रैवल खर्च है ना, निकाल कर हमें कितना मुनाफा हो सकता है। ये एक बॉटल के पीछे आप मान लीजिए इसका बॉटल और कैप प्लस इसका ट्रांसपोर्टेशन, लेबर सब चार्जेस जोड़ के भी आप इसमें ₹1 कमा सकते हैं एक बॉटल के पीछे। ₹1 कमा सकते हैं, वो कैसे, वो भी थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। ओके, ये जो पूरा कॉस्टिंग है वो आप मान लीजिए कि ये पूरा प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करने में ₹4 तक का कॉस्टिंग जाएगा, ठीक है, और आप इसको बाजार में ₹5 तक सेल कर सकते हैं। अच्छा, यानी एक बॉटल के पीछे दोस्तों हमको ₹1 मुनाफा मिल सकता है। जैसे कि इसका जो बनाने का जो खर्च है एक बॉटल का ₹4 आ रहा है, जिसमें ट्रैवल खर्च, मजदूरी खर्च, बिजली खर्च सारा आ गया। अब ये होलसेल में ₹5 एक बॉटल बिक रही है, तो एक बॉटल के पीछे हमें ₹1 मुनाफा हो सकता है। और इस मशीन का प्रोडक्शन जो है पर डे 10,000 है, यानी इस मशीन से हम पर डे 10,000 कमा सकते हैं। अगर हम 10,000 बॉटल का प्रोडक्शन करेंगे और उसे मार्केट में सेल करेंगे तो पर डे हम इस मशीन से ₹10,000 कमा सकते हो। और इसके लिए पूरा इन्वेस्टमेंट सर ने बताया कि ₹15 लाख तक आ सकता है। अच्छा, तो लाइसेंस के बारे में बताइए। लाइसेंस, अगर देखिए, लाइसेंस आप खुद ही करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। सपोज आप लाइसेंस नहीं करवा रहे और हमें बोलते हैं तो हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं इसका लाइसेंस दिलवाने में। यानी किसी को लाइसेंस खुद निकालना चाहते हैं आप तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी लाइसेंस निकालने में, है ना।
तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो जो प्लास्टिक की बॉटल है, कोई भी किसी भी स्टेट में ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसका रॉ मटेरियल उसे कैसे मिलेगा? रॉ मटेरियल हम लोग आपको यहाँ से भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा। उससे अच्छा है अगर आप कोई प्रॉपर एरिया में है तो उसके आजू बाजू नजदीकी एरिया में से भी हम आपको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी आपकी जो स्टेट के जो भी रॉ मटेरियल के जो भी प्लास्टिक बॉटल के सप्लायर है उसका नंबर ये सर दे देंगे, नहीं तो आप खुद प्लास्टिक बॉटल का प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं सर। इसका भी, इस मशीन का भी प्रोडक्शन करते हैं और आपको वो मशीन सप्लाई करके देंगे, है ना? अच्छा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और अच्छा बिजनेस है ये पानी बॉटल का। आपको भी अगर ये बिजनेस शुरू करना है तो शिवशक्ति इंडस्ट्रीज का और प्रदीप भाई का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप डायरेक्ट प्रदीप भाई से संपर्क कर सकते हैं और इस फैक्ट्री में आकर मशीन कैसी बनती है और इस बिजनेस के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इसका लाइसेंस प्रोसेस क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। आप कभी भी प्रदीप भाई से संपर्क कर सकते हैं और इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लेकर अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों। नमस्ते सर।